दोस्तों वेलकम टू चैनल एस्केलेप एंड फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फास्ट टी20 मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। इस टाइम देख सकते हैं आज रात 11 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उस हिसाब से एक्टिव रहिएगा। दोनों टीम की मैच विनिंग पेरिस होने की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नजर आए ऑन द पेपर एज कम्पेरिजन टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड का ऑलरेडी भाई प्लेइंग 11 आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको भाई इनके बारे में तो ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्लेइंग 11 मिल चुका है। क्रेग गज ने ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है, इनका प्लेइंग 11। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इनके तरफ से भी देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं। लास्ट जो सीरीज खेल के आ रहा है स्कॉटलैंड के सामने वही लगभग स्क्वाड ही है, सेम स्क्वाड है, बस एक ही खिलाड़ी को ऐड किया गया जिसका नाम जॉस हेजलवुड। और ये आपके लिए बहुत ही तगड़ा पिक रहेंगे इस मैच में, चाहे पहले बॉलिंग करे ऑस्ट्रेलिया या फिर बाद में बॉलिंग करेंगे, उनको आप गलती से भी ड्रॉप मत करना। तो भाई इस मैच के लिए कौन सा 11 खिलाड़ी आपकी टीम में होना चाहिए, कौन से 2 खिलाड़ी को क्या बीसी बनानी चाहिए, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, और कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो आपको भाई सरप्राइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे खिलाड़ी के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को कम्प्लीट देख लेना, और स्मॉली के साथ साथ अगर आपको भाई मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग जीतना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और वीडियो में बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आप हमेशा भाई मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग से बढ़िया प्रॉफिट कमाते रहोगे। स्मॉल लीग की टीम तो आपको मिल ही जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी चैनल के थ्रू आपको लगभग 70% से लेकर 80% मैच क्लीन स्वीप देख मिलेंगे, वो भी 4 मेंबर्स वाली लीग में, ठीक है। और देखो भाई आपको बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट मिलेंगे फैंटेसी में, लेकिन भाई आपको इतना विनिंग कोई नहीं करा पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो भाई चलिए अब हम लोग इस मैच के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सा 11 खिलाड़ी हमारी टीम में रहेंगे, क्यों उनको पिक करेंगे, और कौन ऐसा खिलाड़ी है जो भाई यहाँ पे आपके लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे लेकिन उनका सिलेक्शन काफ़ी हाई है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो भाई देखो मैच खेलेंगे साउथहैम्पटन पे, जहाँ पर आपको हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे भाई कोशिश करो कि अच्छे बल्लेबाज को टीम में पिक करने की, टीम को कैप बीसी बनाने की, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ बॉलर भी है जो आपको भाई इस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके भी दे सकते, यानी कैप बीसी के भी पिक बन सकते, ठीक है। वो कौन ऐसा बॉलर है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई देखो यहाँ पे जो हाईस्ट स्कोर बनाया गया था वो 248 का थे, ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे इंग्लैंड के सामने, वो 2013 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इस ग्राउंड में जब भी मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस, वहाँ पे हमेशा हाईली स्कोर देखने को मिलता है। अंदाजा लगा के जाओ कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग तो यहाँ पे आपको फिर से 200 के प्लस यहाँ पे आसपास रन देखने को मिल जाएंगे। वही भी इंग्लैंड की बात की जाए तो इनका भाई ये भी भाई आपको 170 प्लस स्कोर बनाता नजर आ जाएंगे। इनका जो लाइन अप है उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे नए खिलाड़ी को मौका दिए गए, लगा सकते कि 200 रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेंगे, ठीक है। और फील्ड सॉल्ट का जो अभी रिसेंट फॉर्म है, 2-4 मैच अगर पिछले देखोगे तो फिर उतना खास फॉर्म में थे नहीं, एक आधा मैच में परफॉर्मेंस किए थे, बाकी फ्लॉप भी गए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले तो हम लोग इंग्लैंड का जो स्क्वाड निकल के आ गए हैं भाई 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 पे है ऑलरेडी वो देख लेते हैं। तरफ से देखो प्लेइंग 11 ऑलरेडी आ चुका है, यानी डिक्लेयर हो चुका है। फील्ड सॉल्ट टीम का कप्तानी करेंगे विकेट कीपिंग के साथ विल जैक्सन के साथ ओपनिंग पर आएंगे। तो इनका देखो भाई ओपनिंग बल्लेबाज तो बहुत ही अच्छा है, जॉर्डन कॉक्स एक अच्छे खिलाड़ी है, यहाँ पे भाई डेबू करेंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे। लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, जेकॉब बैथेल ये भी ठीक ठाक पिक है, सैम करेन, जेमी ओबर्टन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद और राइस टॉपली, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सैम करेन भाई काफ़ी कमाल का फॉर्म है, ठीक है, क्या भी सीख सेफ पिक रहेंगे, आप इनको क्या भी सी बना सकते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आदिल रशीद इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और साकिब महमूद और राइस टॉपली में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट पॉली मैं बोलूँगा साकिब महमूद के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये डेथ कर सकते लास्ट में आके, बाकी यहाँ पर राइस टॉपली मोस्ट पॉली आपको पावर प्ले में ही 2-3 ओवर करते नजर आ जाएंगे, 3 ओवर तो मैं इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई देखो बैटिंग से अगर उम्मीद है तो यहाँ पे देखो फील्ड सॉल्ट, विल जैक्स, लिविंगस्टोन और ये बोलूँगा सैम करेन, ठीक है, इन्हीं में से रन बनानी होगी। बाकी देखो जॉर्डन कॉक्स भाई पहला मैच खेलेंगे, जेकॉब बैथेल पहला मैच खेलेंगे, जिमी ओबर्टन ये भी मोस्ट प्रोबेबली पहला मैच खेलेंगे, तो इनसे रन बनाना थोड़ा मुश्किल ही होगा इस मैच में, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम के सामने। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड देखोगे ट्रेविस हेड ओपनिंग पर आएंगे, और कितना कमाल का फॉर्म है आपको पता होगा, कैप्टन से सेफ पिक रहेंगे। जैक पियर्सन मैकग्रो के भी ओपनिंग पर आएंगे, लेकिन भाई फॉर्म बिल्कुल है नहीं इनके साथ, ठीक है, लास्ट के 3 मैच में फ्लॉप गए थे, 3 मैच मिला के 16 रन बनाए थे शायद, तो मैं इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मिचेल मार्स ऑन राउंड पर खेलेंगे, जॉस इंग्लिश 2 डाउन पे, मार्कस स्टोनी, टीम डेविड, फिर देखो कैमरन ग्रीन, एडम चंपा, सीन अबॉट, फिर देख सकते राइली मेरेदीथ, जॉस हेजलवुड, जावियर बार्लेट, एरन हार्डी और कूपर कॉनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका स्क्वाड बिल्कुल सेम है, यानी लास्ट टी20 सीरीज में जो स्क्वाड थे वही स्क्वाड यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे एक ही खिलाड़ी को ऐड किया गया जिसका नाम है जॉस हेजलवुड, ठीक है, एथन नील्स की जगह बस जॉस हेजलवुड को ऐड किया गया है, ठीक है। हम लोग स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं इस मैच के लिए। ओपनिंग सेक्शन में आपके लिए जो बेस्ट पिक रहेंगे वो रहेंगे फील्ड सॉल्ट, क्योंकि भाई देखो बैटिंग से ओपनिंग पर आएंगे और भाई यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच, और बैटिंग फ्रेंडली पिच में इनका रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, तो मैं इनको डेफिनेटली लेके जाऊंगा।
जॉस इंग्लिस भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, स्कॉटलैंड के सामने ये भी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। टू डाउन पे मोस्टली बैटिंग करेंगे, टू डाउन पे अगर मेन सेट आएंगे तो मैं इनको भी लेके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग, क्योंकि ये भी आपको विकेट कीपिंग के साथ तगड़ा परफॉर्मेंस करके दे देंगे, आप इनको भी लेके जा सकते हैं। जॉर्डन कॉक्स का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये भी खेलेंगे और इनका सिलेक्शन देखो सिर्फ 7% है और ये आपको ऑन डाउन पर बैटिंग करते नजर आएंगे। ठीक है, द 100 में बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, 100 में भाई अच्छे परफॉर्मेंस करने के चलते इनको भाई यहाँ पे इंटरनेशनल मौका मिल चुका है, तो आप इनको लेके जा सकते हैं। फिलहाल मैं इनको पिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जॉस इंग्लिस के जा रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर देखो भाई आपके लिए ट्रेविस हेड मस्ट पिक रहेंगे, इनको तो भाई गलती से भी ड्रॉप मत करना। ठीक है, कितना अच्छे खिलाड़ी और कितना अच्छे फॉर्म में है और कितना डिस्ट्रैक्टिव बैटिंग करते हैं, आई होप सबको पता होगा। मिचेल मार्श को भी इस मैच में लेके जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी देखो यहाँ पे जैक फिर से मैकग्रोव भी खेलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, फॉर्म नहीं है इनके साथ। ठीक है, लेकिन भाई देखो बैटिंग फैली पीछे तो भाई अगर चल गया ना तो फिर आपको 15-16 गेंद में 60 रन बना के दे सकते, तो आप लेके जा सकते हैं इनको। बाकी नीचे कोई भी खास ऑप्शन है नहीं। जेकब पैथल भी खेलेंगे स्क्वाड में, आपको दिखा दिया कि भाई इनको भी प्लेइंग में मौका मिल चुका है, आप इनको लेके जा सकते हैं जीएल में ट्राई करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो लिविंगस्टोन आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे, मैं लिविंगस्टोन को बैक करूँगा क्योंकि भाई एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और ऐसे भी इंग्लैंड के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है नहीं, तो इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर भाई देखो सैम करन, फिर देखो मार्कस स्टोइनिस, विल जैक्स और यहाँ पे जो रहेंगे भाई मैथ्यू शॉट भी है, देख सकते हैं मैथ्यू शॉट अगर खेलेंगे तो आप लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मोस्ट ऑफ ऑल इनको मौका नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो मैं इनको बारे में सोचूंगा। ठीक है, कैमरन ग्रीन को मैं फिलहाल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कैमरन ग्रीन देखो आपको मोस्ट ऑफ ऑल 2-3 राउंड में बैटिंग दे देंगे और 3 से लेकर 4 की बॉलिंग, तो मैं इनको लेके जाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन में जैसे आओगे तो भाई यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जैसे देखो एडम जंपा है, एडिल रसीद है, फिर देख सकते हैं आपके जफर आचार, जस हजीलवुड, शॉन अबर्ट, यानी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम बैट्समैन और ऑलराउंडर को पिक किया हूँ अपने टीम में, क्योंकि भाई बैटिंग के लिए पीछे है तो फिर बैट्समैन को पिक करना तो बनता ही है। अगर आपको इतना सारा बैट्समैन नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर ड्रॉप भी करके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो जॉस इंग्लिस या फिर फील्ड सॉल्ट में से किसी एक के ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड तो मास्टर पिक रहेंगे, बाकी मिचेल मार्श या फिर लिविंगस्टोन में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं बोलूँगा विल जैक्स इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो मैं इनको लेके जाऊँगा। सैम करन तो मास्टर पिक रहेंगे, यहाँ पर देखो स्टोनिस भी मास्टर पिक रहेंगे, आप कैमरन ग्रीन को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कैमरन ग्रीन की जगह आप किसी और के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन भाई देखो बॉलिंग सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि शॉन एबॉट है, ठीक है, यहाँ पर देखो जॉस हेजलवुड है, यहाँ पर देखो जफरा आर्चर, आदिल रशीद, एडम जंपा, यानी ये पाँचों तो आपके लिए बहुत अच्छा पिक है। इन पाँचों में से किसी भी दो या फिर किसी भी तीन या फिर किसी भी चार खिलाड़ी को लेकर जा सकते हैं। नीचे भी देखोगे तो यहाँ पर आपको राइस टॉपरी खेलते नजर आएंगे, फिर देखो यहाँ पे साकिब महमूद खेलते नजर आएंगे, और इन दोनों खिलाड़ी का सिलेक्शन देखो बिल्कुल भी नहीं है। साकिब महमूद का परसेंट देखो सिलेक्शन परसेंट सिर्फ 3% के आसपास, राइस टॉपरी का देखो 14%। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छा गेम चेंजर पिक बन सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी टीम में भाई एडम जंबो को पिक किया हूँ और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई जफरा आचार, आदिल रशीद से किसको पिक किया जाए। चलिए भाई देखो बैटिंग वाली पीछे तो फिर आदिल रशीद को मैं फिलहाल पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जफरा आचार के साथ, क्योंकि आपको डेथ में बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे। अगर आप जफरा आचार नहीं चाहिए तो जॉस हेजलवुड या फिर शॉन एबॉट में से किसी को भी पिक कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैंने जफरा आचार को पिक कर रहा हूँ। अगर आपको कैमरन ग्रीन नहीं चाहिए तो इनको ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आपको जॉस इंग्लिस नहीं चाहिए तो इनको ड्रॉप कर दीजिए। तो चलिए जॉस इंग्लिस को ड्रॉप करके मैं कैमरन ग्रीन और इनके साथ ही साथ मैं जॉस हेजलवुड को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, जॉस हेजलवुड की जगह आप चाहते हो शॉन एबॉट को भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि शॉन एबॉट डेथ का बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन मैं जॉस हेजलवुड के साथ जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो देखो इस मैच में भाई सैम करन बहुत अच्छा पिक रहेंगे, क्योंकि भाई फॉर्म बहुत ही शानदार है। ठीक है, अभी अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में है भाई, बैटिंग वॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट से, तो मैं उनको ही कैप्टनसी दे रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो मार्कस स्टोइनिस, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, फील्ड शॉट, ये सबके साथ इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेकिन विल जैक्स को मत भूलिएगा, ये भी बॉलिंग अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, बॉलिंग से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बैटिंग आपको तगड़ा करके दे सकती है इस मैच में, तो आप इनको भी वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने वाइस कैप्टन से अपनी टीम में भाई यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को दे रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेविस हेड को बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, आपको स्मॉली करके लाखों में विनिंग करना है तो बूम 11 एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में अगर आप खेलोगे तो भाई ना तो आपको TDS लगेंगे और ना ही भाई यहाँ पर आपको कोई GST लगेंगे, यानी 100% GST और TDS फ्री एप्लीकेशन है। 2 मिनट के अंदर भाई यहाँ पर आपको इंस्टॉल विंडल भी मिल जाएंगे, तो फायदा ही फायदा है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से करो डाउनलोड, आज से ही भाई यहाँ पे खेल के लाखों में विनिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर भाई 24 आवर्स आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेंगे, और भाई जो कॉन्टेस्ट फीस देखोगे ना, यानी कॉन्टेस्ट का जो कमीशन फीस, वो भी काफ़ी लेस है पूरी मार्केट में। ठीक है,
तो भाई इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो सच में आपने बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो भाई। आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करो और जितना सारा लॉस आपने अभी तक किए हो बाकी एप्लीकेशन में उन सारा लॉस इसी एप्लीकेशन में कवर कर लो, ठीक है। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, विकेट कीपिंग सेक्शन में फील्ड शॉर्ट को पिक किया हूँ, फिर देखो बैटिंग सेक्शन मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और लिविंगस्टोन को जगह दिया हूँ। आप चाहो तो मिचेल मार्श या फिर लिविंगस्टोन को हटा के किसी भी और खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बता दिया हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में भी, विकेट कीपिंग सेक्शन में भी, और भाई आपको बॉलिंग सेक्शन में बताया उनको भी लेके जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोनिस, फिर देखो सैम कारिन, विल जैक्स और कैमरन ग्रीन को पिक किया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में जॉस एजलवुड, एडम जंपर और जॉफ्रे आर्चर को पिक किया हूँ, ठीक है भाई। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो भाई किसी भी बल्लेबाज को क्या किसी बना सकते हैं, स्पेशली ट्रेविस हेड, विल जैक्स और फील सॉल्ट, ये तीनों भी आपके लिए तगड़ा पिक रहेंगे। इन तीनों को भी क्या से आप आपस में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाकी जो भी चेंजेस होंगे, जब भी बदलाव होगा वो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन करना ना भूलें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ताकि आप लोग चाहे कितने भी छोटे इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप लोगों में बड़े इन्वेस्टर बनाने के लिए भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई आपका भी हक बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। तो दिल से सपोर्ट करो, मैं आपके लिए भाई ऐसे ही काम करते रहूँगा और आप सबको प्रॉफिट कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक बाय।